और एक तो मेरा बेस्ट शायरी है जो जो उसे सुनाना चाहता हूँ। तुमसे दूर हो जाऊंगा तो बात किससे करूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा तो बात किससे करूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग देखे होंगे आप लोग कर्मा वाली, उससे पहले आप लोग देखे होंगे मेरे सोलो डांस परफॉर्मेंस, मेरे घर साइड पंडा लगा था उसमें, फिर उसके बाद पीछे देखे होंगे आप लोग जज के लिए गई थी मैं, डांस कंपटीशन जहां हो रहा था ग्राम सेमरा संबलपुर में, वहां गई थी मैं। तो आज वहां का है ग्रैंड फिनाले, तो आज भी जा रही हूं मैं जज करने के लिए। तो मैं रेडी हुई जाने के लिए, टाइम हो रहा है 7:30 शाम के और मेरा गेटअप ऐसा है, फॉर्मल पहनी हूं। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज बात देखते हैं कौन ग्रैंड फिनाले में विनर होते हैं, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे, ये है फुटबॉल ग्राउंड ग्राम संबलपुर सेमरा का। यहाँ पे ऑडियंस धीरे धीरे जमा हो रही है, उसके बाद कुछ ही क्षण में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अभी तो 8:45 हो रहा है, मेरे को लगता है एक आधा एक घंटा ऐसे कुछ लगेगा ताकि उनको आसानी होगा। और हमें दूर से दिख रहे हैं हमारे नेताजी महिलाओं के बीच में बैठे हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं सामने बैठने के लिए। प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज फिर से भाग ले सकते हैं। वरु ये हैं छोटे गणेश जी, धन्यवाद। मैं सभी बच्चों जो आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना अपना सॉन्ग लेकर टीम से केवल एक जन एक व्यक्ति आके मोबाइल में अपना गाना यहाँ दे दे। मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं तो बस एक आम महिला की तरह हूँ। आज हमारे संबलपुर पंचायत में जिस ईश्वर का जो 9 दिन का जो पूजा पाठ चलता है, पहले उनका ही ध्यान करते हैं, उनका नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो विघ्नहर्ता का नाम जरूर लेना चाहिए ताकि हमारा काम भी शुभ हो, है ना। बोले गणपति बप्पा, बस ये दो ये चार जन का आवाज। खाना नहीं खाया क्या? बिहारी नहीं खा के आया का? और ऊपर से आज कर्मा का पारण है, तब तो और जोर से एनर्जी होना चाहिए ना, इतना जोर से ना कि जजेस लोग इतना दूर से आए हैं ना, वो लोग भी समझ जाए कि हम लोग किस जगह पे आए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारी महिला दीदी लोग बहुत ज्यादा है, तो एक बार फिर से बोलिए गणपति बप्पा। संचालक मंडल वालों में पूछे तो धड़ाधड़ साउंड बॉक्स टेंट है ना, ब्लेमेंट सब गांव के लोग। मैं ये सुनना चाहता हूँ, सब लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पढ़ने के साथ बेटे आप लोग डांस करते हैं, उसमें अंग्रेजी भी थोड़ा बोलना सीखना जरूरी है। नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों का डांस प्रोग्राम है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर सब डांस प्रतियोगिता में है और सबको मेरा प्रणाम। ₹500 दिया लीजिए, अपने हाथ से दीजिए, ₹500 दिए, जोरदार ताली। जल्दी
इसका फुल फॉर्म उनका नाम ही होगा, क्या नाम है? ए, ए, ए कौन है? नाम और पिता का नाम पहले। एन पी फुल पूरा नाम बताइए। माइक पास में लगेगा। माई सेल्फ नेहा बसोर, मतलब मैं समाही बांध पारा से हूँ। मेरे पापा का नाम संजय बसोड़ है, मम्मी का नाम तारावती बसोड़। मेरा नाम पायल सुरेन है, फ्रॉम सुनवाही। माय फादर नेम इज मिस्टर विष्णु सुरेन, माय मदर नेम इज मिसेस राजपति सुरेन। माय नेम इज अनीसा सुरेन, पापा का नाम विश्वनाथ सुरेन और मम्मी का नाम सुंदर केली सुरेन। अभी की बच्चे के लिए है और इनके लिए जोरदार ताली, मतलब जोरदार ताली डांस के लिए बोल रहे हैं। लगना चाहिए कि राजेश मीन बोल रहा है, जोरदार ताली बोल रहे हैं कि डांस करने के लिए। राजेश भैया रुकिएगा, तो डांस करते ही राजेश भैया बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा आशीर्वाद। फने बांजा फने बांजा। तरफ से 100 रुपये का नगद इनाम है भैया, जोरदार ताले। देखो अपने पापा के लिए 320 रुपया कमा ली। चेंज नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, इनाम तो देना था, चेंज नहीं है तो ईमानदारी से वापस कर दोगे ना? मेरे से मांगने आ जाएगा, नहीं तो समझ गए ना। 400 किसको वापस करना है? घनश्याम राजवाड़े, जोरदार ताली। इतना बड़ा दिल कि 500 रुपये दे दिए हैं, क्या पता इनको पसंद आए कि नहीं आए, देंगे नहीं देंगे, ये जाने वो जाने। वो इस कदर खूबसूरत है, वो इस कदर खूबसूरत है तो मैं क्या करूं? वो इस कदर खूबसूरत है तो मैं क्या करूं? यहाँ आए सभी लड़कों का नजर उन पर है तो मैं क्या करूं? दिल तो
चाहता है कि इस महफिल को आग लगा दूं, पर इस महफिल में वो भी बैठी है तो मैं क्या करूं। चांद में भी काली घटा छाती होगी, चांद में भी काली घटा छाती होगी, आपके होठों में भी तो मुस्कुराहट आती होगी। चांद में भी काली घटा छाती होगी, आपके होठों में भी तो मुस्कुराहट आती होती। क्यों छुपाती हो मेरी बात अपने दोस्तों से, कभी तो अकेले में मेरी याद भी तो आती होगी। दोस्त एक फूल की तरह होती है, दोस्त एक फूल की तरह होती है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते। अगर हम उस फूल को तोड़ देंगे तो मुरझा जाएगा, और उसे छोड़ भी देंगे तो उसे कोई और ले जाएगा। दोस्तों को भूलना गलत बात है, दोस्तों को भूलना गलत बात है, अरे उन्हीं का तो जिंदगी भर का साथ है। दोस्तों को भूलना गलत बात है, दोस्तों को भूलना गलत बात है, उन्हीं का तो जिंदगी भर का साथ है। अगर दोस्तों को भूल गए तो काली रात है, अगर हम साथ हैं तो देखने वाले भी कहेंगे वाह क्या बात है। और एक तो मेरा बेस्ट शायरी है जो जो उसे सुनाना चाहता हूँ। तुमसे दूर हो जाऊंगा तो बात किससे करूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा तो बात किससे करूंगा, और तुमसे नाराज हो जाऊंगा तो शिकायत किससे करूंगा। तुम्हारे सिवा इस दिल में कोई भी नहीं है, अगर मैं तुमसे ही दूर हो जाऊंगा तो प्यार किससे करूंगा। तोर सुरता ला हृदय ले मिटाओ कैसे, तोर सुरता ला हृदय ले मिटाओ कैसे, मोर खुशी तोर खुशी से है, फिर अपन माया ला तोला बताओ कैसे। तोर ले दुनिया होके जाऊं कहां, तोर ले दुनिया होके जाऊं कहां, तोर निगर माया में पाहूं कहां, मोर दिल ला तो कृष्ण समझाए लहूं, मगर मोर आंख का आंसू ला छुपाऊं कहां। मजा आते डांस करी की शायरी। डिमांड है गाना, हम लोग फंस गए। देखिए डांस तो शुरू से करते हैं, डांस तो लास्ट मिनट का है ही, करना है हम लोग अभी करवा देंगे तो फिर लास्ट में क्या मजा आएगा ये बताओ, अभी करवा देंगे तो क्या मजा आएगा। सभी को बुला रहे हैं जितने भी जजेस हम लोग, तो चलिए ठीक। वो भी हमारे आदिवासी समाज के लिए जो प्रोग्राम दी है। छत्तीसगढ़िया जोहार, मेरा नाम अंकिता फलकू है और मैं अंबिकापुर से ही हूँ। थैंक यू। और थोड़ा सा परिचय, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है मास कम्युनिकेशन, मुझे बनना था पत्रकार लेकिन उसमें बहुत मेहनत था तो मैंने यूट्यूब को चुना, तो उसमें यूट्यूब में अभी मेरे को 3 साल हो गए हैं, तो उसमें एक्टर बनने के साथ साथ गाने में भी ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अब पसंद कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जितना नहीं पहचानते अभी मेरे को, सोचते हैं कि राउरकेला और रांची की है करके, तो धीरे धीरे क्योंकि मैं इधर मिलती नहीं हूँ इसीलिए नहीं जानते हैं, उधर बहुत पहचानते हैं। और मैं अब ऐसी भीड़ में तो बार बार आना चाहूंगी। और आपके YouTube चैनल का नाम और किस सब्जेक्ट में आप YouTube चैनल बनाती हैं उसको भी बताओ। मेरे ही नाम से अंकिता खलखो YouTube चैनल है जिसमें 32,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं,
और ये नागपुरी सॉन्ग, कुडुक सॉन्ग, मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, खुद पैसा लगाती हूँ, खुद हीरोइन भी बनती हूँ और दूसरों को भी चांस देती हूँ। दूरे नीले ले दिल मोर तड़पा थे घायल गुहला खे मन मोर कांदा थे हो। तो अभी जजेस लोग की पारी आई है, तो अभी मैं डांस करके दिखा रही हूँ। 1 बज रहा है समय, दिल थाम के बैठेगा। तीसरे इनाम की घोषणा हो रही है, किसी को बताना नहीं है। अनाउंसमेंट करने से पहले एक बार जिनके कारण हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके कारण इतना शानदार इवेंट रहा है ये, तो एक बार प्रेम से बोलिएगा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति अगले बरस तू गणपति बप्पा। धन्यवाद। तो क्रम में हम रुकिए जी जी, धक धक एक, धक धक दो, धक धक तीन, धक धक चार। अनाउंसमेंट जैसे ही करेंगे म्यूजिक लगाइएगा। आप लोग रेडी हो छोटे बच्चे लोग? यू आर रेडी? यस या नो? यस या नो? ओके। आप सब लोग ना परफॉर्मेंस सबका बहुत अच्छा था, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम फर्स्ट किसके देख से। आप लोग सब विनर है, विनर है, फर्स्ट विनर है, डिसीजन तो मिला। आप लोग यहाँ तक थे समझिए मैं फर्स्ट हूँ ऐसा, ठीक है? घर तक जाइएगा तो सबको बताइएगा मैं पहली आई हूँ, मैं फर्स्ट आई हूँ, नहीं बताना थर्ड सेकेंड, मैं फर्स्ट आई हूँ। मैं भी इधर देख के यार, सब तो वीडियो ही। तो अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, थर्ड नाम लेने जा रही हूँ, जो थर्ड पोजीशन पे है 0 से 12 साल तक। दिल की धड़कन को सुनो। ऐसा लग रहा है हम लोग गांव में नहीं है, कहीं अच्छे बड़े शहर में है। छोटे बच्चों ने तीसरा है, जोरदार ताली बजाएगा जो। दूसरे नंबर पे देखते हैं कौन आए हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी मैम है वो बताएंगी। एक मिनट ऐसे कैसे धक धक वन, धक धक बोलो मेरे साथ, धक 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 जीरो। हाँ, तो सेकंड जो आए हैं उनका नाम है नैना एंड ग्रुप, ब्राजील। नैना ग्रुप सामने आएंगे। किसके मुंह से सुनना चाहेंगे प्रथम इनाम? छोटे बच्चों ग्रुप में
किसके मुंह से होता है ये? प्रथम इनाम तो मैम की ओर चलते हैं, मैम बताएंगी। फर्स्ट फोन आई है। मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, दे रही है। धक 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 रेडी। पहला इनाम मिला है उनको, किनको? पहला इनाम मिला है, नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। रस कर कहिएगा फिर। अभी सुन रहे हैं आप लोग को, आप लोग को क्या लग रहा है छोटे बच्चों में सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस कौन किया था जो पहला आया होगा? एक बार और आप सब लोग बताइए कौन फर्स्ट आ सकते हैं। आप लोग कुछ बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है कौन फर्स्ट आया होगा? ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ, बता रही हूँ। पहला इनाम है अंजलि। अच्छा ये बताइए इनके घर से कोई है यहाँ पर? हाँ तो आ जाइए जल्दी से, दौड़ के आ जाइए जल्दी, मम्मी आ रही है। ताली। पहला इनाम पाके कैसा लग रहा है? हेलो, बहुत अच्छा, मम्मी जी को कैसा लगा? एंड देखिए मम्मी इतने रात तक साथ में थी, अपने बेटी के इंतजार कर रही थी कि बेटी का जैसा भी रिजल्ट आए मैं रहूंगी, एंड तक रहूंगी। तो मम्मी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग। आपकी बेटी प्रथम आई है, कैसा लग रहा आपको? आज मेरे को बहुत खुश लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी पहला आई है। पार्टी देंगे ना? पार्टी कल आएंगे, कल पार्टी लेने आएंगे। हाँ आंटी, हमें अंजलि, थैंक यू। कल झारा झारा बोलो है, कल झारा भोजन है संबलपुर में मम्मी की ओर से। हेलो, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी बेटी मतलब कि 15 मार्च 2021 में इसका हार्ट ऑपरेशन हुआ था। मैं सोची भी नहीं थी कि मेरी बच्ची पहल आएगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रथम आई है, इनको दो लाइन बोलना जरूरी है। इनकी भावुक, बहुत ही भावुक कॉल, माता जी के लिए बहुत ही भावुक कॉल है, किसी के लिए भी भावुक कॉल है। एक बार सोचें कि आपका बच्चा कहीं पर इतने भीड़ में फर्स्ट आ जाए और आपको स्टेज में बुलाया जाए, कितना भावुक पल होगा। जोरदार ताली। तो अंजलि तंगी हुई कहने लग गया, लगी निंदा का जिच्चा गिरा। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश रहती नवा समाज की है, नवा श्रद्धा आगे बढ़ जाना, बस बढ़ जाना और एकदम आगे बढ़ते जाओ। हाँ खुद बढ़ो आगे का लो, जय सु। तो अब 12 साल से 30 साल तक चलते हैं, देखते हैं कौन इस स्टेज पे रंग लेकर आया है, ढेर सारी खुशियां कौन लेकर आया है। और ऐसे भावुक पल जो हमारे बीच में आते हैं स्टेज परफॉर्मेंस, मैं कई सारी स्टेज परफॉर्मेंस की हूँ, मेरे सामने भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना एक बहुत बड़ी बात होती है, स्टेज पर आना तो मैं उस पल को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी फेस की हूँ। तो अब चलते हैं, डीजे वाले भैया गाना बजाइएगा। तो अब तीसरे जो थर्ड पोजीशन पे हैं, एक मिनट ऐसे कैसे है? जो थर्ड पोजीशन पे आए हैं उनका मैं
नाम लेना चाहती हूँ और आप लोग भी सुनने के लिए बेकरार हैं। अरे हाँ, जल्दी तो सामने आ जाइएगा जिनका भी नाम लेने वाली होगा, क्योंकि वो मेरे नजरे में मेरे नजरों में नहीं दिख रहे। एक चीज एक चीज बोलना चाहूँगा जी, यहाँ सभी कोई जीते हैं, कोई हारा नहीं है, सभी कोई जीते हैं, कोई हारा नहीं है, और जो हार के जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, ठीक है। और कोई अपने आप को दुखी नहीं समझेगा, सभी के लिए सांत्वना पुरस्कार है, जो हारा हो, जीता हो, या थोड़ा भी डांस किया हो, सभी के लिए सांत्वना पुरस्कार है, कोई घर नहीं जाएगा। आप लोग का ये पहला था, पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, अगले साल इससे भी बड़ा करेंगे हम लोग, ठीक नायिका जी, करेंगे ना, इससे भी बड़ा करेंगे और ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। आप लोग दोनों मिलकर कर लीजिएगा, हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेला लगाएंगे, चाट पुलकी की व्यवस्था लगी, अभी भूख भी लग रहा हो काफी लोग को, तो अगले साल व्यवस्था करेंगे, ऐसे व्यवस्था करेंगे, चाट पुलकी का व्यवस्था लगे रहे, अगल बगल में पान ठेला भी लगा हो। तो अब तीसरा नाम लेते हैं, बातों को कम करते हुए गाना बजाइएगा, धक धक वाले बजाइए बजाइए, 1 2 3 अपने इस डांस को, अपने इस डांस से सभी को दीवाना कर दिया, दिलबर भैया ब्राजील, इसके आगे धक धक बोलने का जिम्मा मैं आपको देता हूँ। आपको पोजीशन पे आ गए हैं सबका दिल जीतने वाले और हैंडसम हैंडसम राजवाड़े लोग, राजवाड़े ग्रुप के लिए जो ताली बजाएगा। आगे किनको बुलाना है भैया, सोनू भैया बताएंगे। पहला बात तो मैं कमेटी टीम को सबसे बड़ा स्वागत कर इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन हम लोग कभी किए नहीं थे, हम लोग वहाँ पूजा पाठ में लगे पड़े थे कि हम लोग से नहीं हो पाएगा, बट कमेटी हम लोग को इतना फोर्स किया कि नहीं आप आइए। और बता दें हम लोग का यूट्यूब चैनल नहीं है, हम लोग ऐसे ही शादी वाले डांस किए थे, जो कि मेरी बहन का शादी था, वही डांस है, वही वायरल हुआ था, बस वही डांस है, बस थैंक यू इतना कहने का। धन्यवाद भाई, और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर सरपंच महोदया जी अगर उपस्थित हैं, सॉरी वो तो चली गई, प्रथम पुरस्कार का वितरण उन्हीं के द्वारा किया जाना था, बाकी अभी प्रथम पुरस्कार का निर्णय तो नहीं दिया गया है, वो सस्पेंस में है। जजेस जजेस सब सम्मान चारों जने यहाँ पर आइए, थोड़ा सा आइए, हम लोग कौन कौन सुनना चाह रहा है कि फर्स्ट कौन आया है, यहाँ चुप्पे चुप्पे बात नहीं होगा, लीजिए माइक में बोली बोली। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, जो प्रथम इनाम है 0-12 साल से 30 साल तक उम्र तक के बच्चों का, तो काफी समय लगा हम लोगों को डिसीजन निकालने में, क्योंकि हम लोग टीवी में देखते थे कि टीवी में कैसे जजेस निकालते हैं, वो हम लोग आज फेस किए कि कैसे जजेस के लिए कितना डिफिकल्ट होता है पहला दूसरा तीसरा निकालना, वैसे ही हम लोग के बीच रहा है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे डांस किए, सभी को ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं भी एक डांसर हूँ, मैं 100 से भी ज्यादा ऊपर डांस परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कैसा होता है डांस, जरूर 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 दिखाएंगे दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जो आज एक एक मिनट गुड़िया कुछ कहना चाह रही है आपको, जी जी बोलो बेटा, मैम आपका डांस देखना है एक बार प्लीज, जरूर जरूर जरूर
ये बताइए, ये बेटा रुक जाओ, पुरस्कार पहले कि पहले डांस? पुरस्कार, पुरस्कार बहुत मिला, डांस एक बार बोल। नहीं नहीं, ये सब कोई जजेस लोग हैं और सभी है ना, फिर नीचे स्टेज से नीचे उतर जाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसके बाद एंजॉय के साथ हम खुशी खुशी सभी कोई डांस करेंगे और कोई नहीं बैठेंगे, क्योंकि बैठे बैठे पैर भी अब दबा के दिया है। दोनों लोगों का भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है, एकदम एकदम। अरे मेरे खड़ा ना करते हुए प्रथम इनाम का घोषणा कर दिया जाएगा, तो किरण मैम बताएंगी, एक बार जोरदार ताली किरण मैम के लिए। किरण मैम बताएंगी पहले नंबर पे कौन आए हैं। सस्पेंस, धक धक धक। अरे मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा, मैं तो नहीं बताने वाली। इनके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा है तो मैं नहीं बताने वाली। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पांच पांच रुपया का सब कोई बजा दे एक बार। जिसका नाम, जिसका भी नाम आए वो ग्रुप या सिंगल हो जो भी हो, दौड़ के आएंगे और यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, ठीक है? तो आयो बगर इधर बाल लगते हैं। मैं हूँ फर्स्ट प्राइज, मानते हो नहीं? नहीं समझते हैं। फर्स्ट नंबर का अनाउंसमेंट होने जा रहा है अभी, तो मैं बता दूँ। जिसका भी नाम आएगा दौड़ के आएंगे यहाँ पर ना। जिसका भी नाम आएगा दौड़ के आएंगे, मैं गले लगाएंगे। सरपंच जी की तरफ से मंच है, जो भी फर्स्ट नाम बताएगा सरपंच जी की तरफ से मंच है। सरपंच जी के लिए कुछ जोरदार तालियां। नहीं नहीं, आप यहाँ बता देंगे उसके बाद देंगे। सरपंच जी आइए, पहले मत दीजिएगा, नहीं तो नहीं बताएंगे, बता देंगे उसके बाद दीजिएगा। रेडी रेडी गो। एक नंबर डांस, तो कैसा लगा आप लोग को? खुश है आप लोग? आप लोग खुश है? ये तो फर्स्ट आई है, ये तो फर्स्ट आई है। Yeah।
तो डांस हो गया है जैसा आप देखे, खूब इंजॉय किए और ये समिति का पहला बार था स्टेज परफॉर्मेंस ऐसा करवाए। कार्यक्रम बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा लगा। और टाइम मैं बता दूं 3 बज गया है करेक्ट 3। अभी हम लोग घर जाएंगे, ब्रश करेंगे, मम्मी ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी रखे रहेगी, खाएंगे फिर सो जाएंगे, तब हम लोग का नाइट होगा। तो आज के वीडियो को यही तक रखती हूँ, आप लोगों ने जैसा देखा वैसे ही यहाँ हुआ और पूरे मोहल्ले वाले आए थे, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, मुझे लगता है 500+1000-1500 ऐसे रहे होंगे और पूरे लोग आए थे। और मेरा डांस होना था लेकिन सब इतना ज्यादा खुश थे, बच्चे इतने ज्यादा खुश थे कि सब उन्हीं को देखते रह गए, सब पूरे एकदम धूमधाम से पूरे सेलिब्रेट किया आज का कार्यक्रम को और काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैम जी को अच्छा लगा कि नहीं बताइए? आज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगा हम लोग को, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट। और मैं बता दू ये आज विद्या बालन होती है एंटरटेनमेंट इसलिए क्योंकि आज लग रही है विद्या बालन जी लग रही है। ये तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। तो हमारी ये थी आज की एंटरटेनमेंट क्वीन, कैसा लगा आप लोगों को? शानदार। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक अधिक शेयर कीजिए। अभी टाइम हो गया है 3:15 हो चुका है, मतलब भोर मानेंगे इसको। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय, गुड नाइट।